हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं होममेड गनाश की रेसिपी। तो यहाँ मैंने ले लिया है मिल्क चॉकलेट। अब इसी चॉकलेट से ले लेंगे 50 ग्राम चॉकलेट्स और इसे माइक्रोवेव ओवन में हम मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी है। अब यहाँ पर ले लेंगे 100 ml गरम पानी और गरम पानी में डाल देंगे 3 teaspoon कोको पाउडर। दोस्तों, मैं यहाँ पर भर भर के 3 teaspoon कोको पाउडर ले रही। अब इसमें डाल देंगे 2 से 2.5 teaspoon चीनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हल्के हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स बाकी ना रह जाए। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पैन पर मिक्सचर डाल देंगे और डाल देंगे 1/2 teaspoon बटर। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे तब तक स्टर करते रहेंगे जब तक ना इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम हो जाए, यानी कि इसका कंसिस्टेंसी मीडियम थिकनेस होने तक इसे स्टर करना है। ये देखिए ये जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। अब इसे मेल्टेड चॉकलेट में हम डाल देंगे और इसे तब तक हम मिक्स करते रहेंगे जब तक ना मेल्टेड चॉकलेट और ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल इजी रेसिपी है और मैंने ट्राई किया है तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना था। तो ज़रूर आप ट्राई करके देखें होममेड गनाश की रेसिपी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और मेरे दूसरे रेसिपीज़ को चेक करने के लिए रुमानास टेस्टी वर्ल्ड के प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक केक लिया है, ये चॉकलेट केक है, काफ़ी बड़े साइज़ की है। तो इसको बिल्कुल मिडिल पोर्शन से हम 2 हिस्सों में काट लेंगे पहले। अब इसका ऊपर पोर्शन हम निकाल कर मिडिल पोर्शन जो है उसमें गनाश को इवनली स्प्रेड कर देंगे। दोस्तों, इस केक को मैंने पहले से बना के रखा था ताकि केक में गनाश अप्लाई करके आप सबको दिखा सकूं। अब इवनली इसे मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर के पोर्शन को हम रख के ऊपर भी गनाश स्प्रेड कर देंगे। चॉकलेट को मैंने पहले से ग्रेट करके रखा था तो उसे भी इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हम स्प्रेड कर देंगे। खाने में और देखने में दोनों में ही इसमें अच्छा लगेगा। तो इवनली इसके कॉर्नर से हम स्प्रेड करते हुए जाएंगे। तो ये रहा होममेड गनाश की रेसिपी। दोस्तों, ज़रूर ट्राई करिएगा, आप एक्सपीरियंस करेंगे एक अलग ही तरह की रेसिपी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।